कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग होता है, जैसे अपने पास 5 है, ओके, अब अपने बोला जाए कि इसके कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर्स लिखो, तो इसके सर कॉन्जिक्यूटिव जस्ट नंबर इसके सिक्स बाद वाला जो होता है है ना, वो है कौन सा? ये ऐसे कॉन्टिन्यूस होते हैं, वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, गॉट इट? यस यस सर, सर, अब इसमें अपन एग्जांपल लेके यस। देखते हैं, ये क्या बोला, फॉर एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। देखिए, मान लो कि अपने पास कोई एक सिंगल डिजिट, सिंगल नंबर दिया हुआ है, मान लो कोई सिंगल नंबर है एन। अब आपको, अपने को बोला गया है कि इसका और इसके नेक्स्ट नंबर का अगर अपन स्क्वेयर करें और उनका डिफरेंस लें तो क्या आंसर आएगा। तो देखते हैं, क्या बोला है अपने को कि अपन इसका जो नंबर है एन एंड इसका नेक्स्ट नंबर n+1, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो गए, समझ में आ गया ना? यस सर, यस सर, ओके। अब बोला है कि इनका स्क्वायर करना अपने को, एन स्क्वायर n+1 का स्क्वायर। अब बोला है इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ओके, तो डिफरेंस लेंगे n+1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ओके, राइट? समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर, अब देखो, n+1 का स्क्वायर है, इसको अपन n+1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? यस यस सर, सर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, n को पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर, फिर n को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n, फिर अपन 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस n, फिर अपन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया, समझ में आ गया? यस सर, अब अपन इसको क्या लिख देंगे, एन स्क्वायर प्लस 2n+1 एंड अपना नेक्स्ट माइनस एन स्क्वायर, ओके। अब माइनस एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, समझ गए? अब यस सर, अपने पास क्या बच गया, ये 2n+1, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, n+n+1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? यस सर, यस सर, यस सर, अब इसको ऐसे इन दोनों को अलग ब्रैकेट में ले लो और सिंगल को अलग ब्रैकेट में ले लो, तो अपन इसको ले लेंगे n+n+1, ऐसे कर सकते हैं, सर, कर सकते हैं ना? यस सर, तो इट मींस n+1 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू n+n+1। क्या हुआ इसका मीनिंग कि टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू n+n+1, इट मींस उनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा, समझ गए? इस इक्वेशन का मीनिंग यही, लास्ट वाली सर लास्ट में समझ में नहीं आया सर। क्या ये वाला समझ में नहीं आया? सर जो आपने सर पिछली क्लास में भी तो सर आपने यही वाला सेम समझाया था। हाँ, ये समझ में नहीं आया क्या? किसको समझ में नहीं आया लास्ट वाली स्टेप? हेलो यस सर, हेलो, लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आया। अभी ये समझ में नहीं आया? सर आपने बोला था n² + n+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी सब्ट्रैक्शन हाँ बताया ना हाँ सर आपने देखिए पूछा। देखिए क्या है, अभी अपन इसको थोड़ा और आसान लिख लेते हैं, जैसे n+1 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू तो सर n+1 ये अपन को बताना क्या चाहते हैं? प्लस एन, ऐसे कर सकते हैं ना अपन? इस वाली, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, कर सकते हैं ना? सेम ही बात हाँ होगी। सर, हाँ सर, हाँ तो अब देखो अपने को इसमें कहना क्या चाहता है, अपन ने क्या बोला स्टार्टिंग में, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ओके। अब पहला नेचुरल नंबर क्या था, 1, ओ एन। अब इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव एल था n+1, ओके। अब देखो स्क्वायर है इन दोनों पे, एन स्क्वायर n+1 का स्क्वायर, ओके। अब दोनों के बीच में माइनस यस का सर, साइन है, ये चीज क्या डिनोट करती है, ये चीज अपने को डिनोट करती है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ये चीज यही डिनोट कर रही है ना, ये वाला पार्ट। हाँ सर। तो सर आंसर क्या आएगा सर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सब्ट्रैक्शन कंसेक्यूटिव ऑफ नंबर? टू सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ, इसमें देखो ये चीज मिस कर दी मैंने, सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यही तो डिनोट कर रही है यस सर। सर वो। एक एग्जांपल लेके कर हाँ, दीजिए। वो किस चीज के इक्वल होगा, इन दोनों नंबर्स का डायरेक्ट एडिशन कर देंगे
तो वो उसके इक्वल आ जाएगा, समझ गए? ओके सर, अब आ गया समझ में। अब एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं, जैसे 4 and 5 ले लेते हैं अपन, ओके। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या बोला, सब्ट्रैक्शन करेंगे अपन। अब सब्ट्रैक्शन क्या होगा, जैसे चलो अपन ने यहाँ पर तो 4 and 4 ये 5 ले लिया, क्वेश्चन में तुम्हें मिलेगा कि तुम्हें कोई नंबर 4 गिवन है, इसका इसके नेक्स्ट नंबर के साथ, इसके नेक्स्ट नंबर के साथ अगर स्क्वायर लेके सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा। अब इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, 5। Yes, sir. और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे अब क्वेश्चन लिखो, एक ऐसे ऐसा करो, क्वेश्चन लिखो फिर करते जाते हैं अपन, लिखो फाइंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive numbers if 1 रहने दो, आप अपन लिख लेते हैं, if first number is 4, okay? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हां बोलो सर, मुझे ये डाउट है कि अगर 4 लिखा हुआ है तो सर 4। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो। यस सर। हेलो, अभी आ रही है? यस सर, आ रही है। यस हाँ, सर आ रही है। बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे सर? ये कह रहा हूँ कि आपने लिखा है इफ द फर्स्ट नंबर इज 4, तो सर 4 अपन कैसे कह सकते हैं कि 4 n ही है या फिर n प्लस 1 है? अरे n लेना है अपने को, फिर नेक्स्ट तो n प्लस 1 हो गया, नेक्स्ट तो अपन फाइंड आउट कर ही लेंगे। ओके सर। ओके, क्योंकि अपन नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट, find the subtraction of square of 2 consecutive numbers if first number is 4. आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू अपने अभी ये जो न्यूमेरिकल सॉरी डेरिवेशन किया है, उसमें अपन ने क्या बोला था कि 2 consecutive numbers के स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस एन। देखिए ये वाला ही है। यस सर। ओके, अब देखिए, अब अपने को क्वेश्चन में गिवन है एन इज इक्वल टू 4, ओके समझ गए? एंड एन प्लस 1 कितना हो जाएगा? यस सर। एन प्लस 1 कितना हो जाएगा सर? आपकी आवाज मतलब ब्रेक हो रही है सर, आपकी आवाज। यस सर, अभी ठीक है? नो सर। नो सर, ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो यस सर, अभी सही आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ देखो क्या हुआ, अपने को क्या बोला इसमें कि फाइंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंजुगेटिव नंबर्स। अभी अपन ने ये डेरिवेशन किया था, ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, अब अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है n इज इक्वल टू 4 और अपन फाइंड कर लेंगे इसका नेक्स्ट कंजुगेटिव नंबर n प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब अपन डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 4 प्लस 1 प्लस 4, ओके ये क्या हो गया 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अब अपन एक बार वैसे भी रब करके देख लेते हैं
फोर का स्क्वायर कितना है 16, फाइव का स्क्वायर कितना है 25, आपने को बोला है कि इनका सब्ट्रैक्शन लेना है, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, दैट इज इक्वल टू दिस। सर आपकी स्क्रीन अदर पॉज, अभी सही है? यस सर। अब ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? हेलो यस सर। तो सर यही फॉर्मूला अप्लाई करना है? हाँ हाँ, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, टू कंजेक्यूटिव नंबर्स का अगर अपन उनके स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो आंसर आएगा उनका डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा, ठीक है? देखिए 4 एंड 5 का स्क्वायर करके अपन ने सब्ट्रैक्शन लिया तो आंसर 9 आया, जो कि डायरेक्ट 4 प्लस 5 का एडिशन है। समझ गए ना? यस सर। हाँ हाँ, नोट सर, अगर डायरेक्ट सर पूरा समझ आ गया, पूरा समझ आ गया सर। सर अगर डायरेक्ट दोनों नंबर दिए हो 4 और 5 तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना दोनों को प्लस करके? बिल्कुल, नोट कर लो। मतलब ये फोर्थ नंबर ये बताना चाह रहा प्रॉपर्टी कि अगर हम दोनों नंबर का स्क्वायर लेके उनको माइनस करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, एन प्लस वन प्लस एन करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। हाँ हाँ ठीक है, कर लो, बताना चाह रहा फॉर्मूला, नोट कर लो जल्दी से। ये नोट कर लिया? यस सर। ये कर लो अब। डन? यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि अपन ट्रिपलेट देखते हैं कि कोई भी थ्री नंबर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाए। ओके, ऐसा कॉम्बिनेशन होगा ना सर? प्रॉपर्टी का नाम क्या? आपने इक्वल टू लिख दिया, प्रॉपर्टी का नाम क्या? हाँ हाँ, ये इक्वल टू आएगा। प्रॉपर्टी का नाम कुछ नहीं है, ऐसे एक कॉन्सेप्ट है। पाइथागोरस थ्योरम होगा ना ये? हाँ, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। जब एक्स वाई जेड जब ऐसी फॉर्म बन जाए ना अपने पास, तब अपन एक्स वाई एंड जेड को क्या बोल देंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट, ओके, पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब अपन एग्जांपल लेके देखते हैं, 6, 8 एंड अपन 10 ले लेते हैं। अब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर आएगा। देखिए 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100। देखिए इन दोनों का एडिशन भी 100 है और ये भी 100 आ गया। इट मीन्स 6, 10 एंड 8 इज इक्वल टू पाइथागोरस रैंडम नंबर ले ले फिर भी यही होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे फिक्स रैंडम नंबर ले ले, नहीं नहीं ऐसे रेंडम नंबर नहीं होगा। इन नंबर्स को चेक करने का एक फॉर्मूला है, ऐसे चेक करते हैं। देखिए, देखो ऐसे है हाउ टू चेक, और ऐसे भी कर सकते हैं इसको। सर इसकी एक डेफिनेशन लिखवा दो। हाउ टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो अपने पास इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है स्क्रीन इज पॉज। अभी ठीक है? नो सर, ठीक है। हाँ तो अभी देखिए, ठीक है। हाँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने का एक फॉर्मूला है अपने पास। 2n(n²-1)n²+1। अब देखिए कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज अपने को एक नंबर दिया हुआ है 5, ओके। अब अपन इसका, चलो अपन ये लास्ट वाले एग्जांपल को चेक कर लेते हैं। मान लो अपने पास एक सिंगल डिजिट दिया हुआ है 6, ओके, 6 दिया हुआ है सिंगल डिजिट, ठीक है। अब अपन क्या कर लेंगे, इसमें पुट करेंगे 2 × 6। सर ये फिफ्थ वाला रूल यही वाला है क्या? सर ये फिफ्थ वाला रूल है? हाँ हाँ, फिफ्थ वाला रूल है।
सर आप इसके पहले वाली एक मिनट के लिए स्लाइड दिखा देंगे? ये यही है, यही से शुरुआत किया है फिफ्थ वाले को, ठीक है? ओके सर। अब देखिए क्या है, अपने बोला है कि हाउ टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपल एट, तो ये अपने पास फॉर्मूला है। इसमें अपन लेट सपोज अपने को दिया हुआ है 6, मींस n इज इक्वल टू 6। अब अपन इसमें पुट करते जाएंगे 2 इंटू 6, 6 स्क्वायर माइनस 1 एंड 6 स्क्वायर प्लस 1। ओके, क्या हुआ अपने पास? 35 और 37, ये हो गया 35 एंड ये हो गया 37। अब देखिए जब 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर करोगे तो ये इक्वल आएगा 37 स्क्वायर आएगा। तो अब अपन क्या बोल देंगे, जो 12, 35 एंड 37 है इसको अपन क्या बोल देंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट। सर सर आपने तो उस एग्जांपल को चेक किया था तो 8 और 10 आंसर आना चाहिए। हां तो इस एग्जांपल को चेक देखिए बेटे, यहां पर क्या है 2n, अब अपन 2n इज इक्वल टू इसको चेक करेंगे तो क्या होगा, ये 6 होगा तो n इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 3। अब अपन चेक कर सकते हैं इसको भी ऐसे ही, देखिए लेट सपोज अपने पास नंबर है 3, ओके n इज इक्वल टू 3। अब अपन फॉर्मूले में पुट करेंगे 3 इज इक्वल 3 इंटू 2, 3 स्क्वायर माइनस 1 एंड 3 स्क्वायर प्लस 1। अब ये कितना हो गया अपने पास 6, ये कितना हो गया 8 एंड ये कितना हो गया अपने पास 10। देखिए ये आ गया ना सेम, ठीक है? अब वही करोगे 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो अपन इसको क्या बोल देंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ गए सर? एक और डाउट है। हाँ बोलो सर। यहाँ पे तो n की वैल्यू दी है लेकिन आपने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें n की वैल्यू नहीं थी, तो हम n की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू, यस सर। अरे ये तो अपन ने ऐसे एक एग्जांपल लिया है कि ट्रिपलेट ऐसे होते हैं, फिर अपने को अगर बोले कि तुम्हें कोई नंबर 3 दिया हुआ है तो एक पाइथागोरिक ट्रिपलेट फाइंड करिए, ओके? तो फिर अपन उस नंबर को यूज कर, लेट सपोज अपने को यहाँ पर 6 दिया हुआ था, इस 6 को यूज करके अपन ने पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड किया 12, 35 एंड 37, ओके? सर, ओके सर, अंडरस्टूड सर, थैंक यू सर। ओके, नोट कर लो। सर इस फॉर्मूले से कोई से भी नंबर की पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं? यस यस, यू कैन इजीली। Should I move to next page? Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखिए अपन next property फिर से देखते हैं। Next property देखते हैं अब। आपकी आवाज लो आ रही है। सर आपकी आवाज थोड़ी लो आ रही है। अभी ठीक है? Yes, sir, थोड़ी सी। Yes, अभी ठीक है? तो सर पिछले वाले क्वेश्चन के लिए सर हमको x की वैल्यू चाहिए। हाँ। Okay. Okay, sir. अब देखते हैं next property। लिखते जाओ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर एम इज इक्वल टू द sum of the first m odd numbers, क्या बोला है, the square of a natural number m is equal to the sum of the first m odd numbers। देखिए example अपन देखते हैं, जैसे अपने पास 1 का square किया अपन ने, तो इसके पहले 1 का square होता है अपने पास 1। excuse me sir। हाँ सर, ये द फर्स्ट एम और नंबर का मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ बताता हूँ मैं, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर एम इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एम ऑड नंबर। सब देखिए अपन ने किसी एम नंबर, जैसे मान लो एम का मीनिंग हुआ मान लो कि 5 अपने पास, एम इज इक्वल टू 5 है। अब अपन ने 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया अपने पास 25, ओके? अब इसने क्या बोला है कि 25 इक्वल होगा फर्स्ट एम ओड नंबर्स के, मींस
पहले पांच ओड नंबर्स के इक्वल होगा उनके सम के, तो 1, 3, 5, 7 and 9 यही है फर्स्ट फाइव ओड नंबर्स, यही है ना? समझ में आ गई प्रॉपर्टी क्या? 1, 3, 5, 7, 9 फर्स्ट n ऑड नंबर्स है। या अब अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर किया 1, अब अपन 2 का स्क्वायर। सर एक बार सर फिर से समझा दीजिए सर, समझ में नहीं आया। देखो देखो 2 का स्क्वायर है 4, इट मींस इस वाले में m इज इक्वल, अपन ने किसका स्क्वायर किया है 2 का, इट मींस m इज इक्वल टू 2, और क्या बोला है सम ऑफ फर्स्ट m ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट m ऑड नंबर्स, इट मींस पहले 2 ओड नंबर्स का सम लेना अपने को, पहले 2 ओड नंबर्स कौन से हो गए 1 + 3 = 4, समझ गए? समझ गए ना? यस सर। यस सर। एक एग्जांपल बोलो, थ्री स्क्वायर मींस 9, अब m इज इक्वल टू कितना हो गया 3, अब फर्स्ट 3 ओड नंबर्स कौन कौन से होंगे 1 + 3 + 5 = 9, देखिए आ गया ना, समझ गए? यस सर आ गया। अब अपन ले सकते हैं, अब अपन ले सकते हैं सर, एक बार ये वाला एग्जांपल सर, एक बार ये वाला एग्जांपल वापस समझा देंगे, ये वाला? यस सर, जो अभी आपने लिया है, अभी जस्ट अभी आपने लिया, ये 3 वाला? 3 वाला यस सर। देखिए 3 का स्क्वायर किया अपन ने 9, ओके ये अपने को पता है, पहले से अंडरस्टूड है अपन, ओके। अब इसमें क्या बोला कि द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर m, अब अपन यहां पर नेचुरल नंबर कौन सा है 3, 3 का स्क्वायर किया ना अपन ने, इट मींस m इज इक्वल टू 3, एंड देन इसमें क्या बोला है इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट m ओड नंबर्स, अब फर्स्ट m ओड नंबर्स कितने लेने अपने को 3, तो पहला 1 + 3 + 5 यही है फर्स्ट 3 ओड नंबर्स काउंटिंग टेबल में, है ना? यस सर। तो ये कितना हो गया 9, दैट इज आल्सो इक्वल टू 3 स्क्वायर, गॉट इट? ओके सर। यस सर, नोट कर लो जल्दी से, टाइम नहीं लगाना छोरे, हो गया सर, नोट हो गया। यस सर। हाँ बोलो सर, अगर हमें 98 का स्क्वायर निकालना है तो 98 ऑड नंबर्स निकालने पड़ेंगे। हाँ हाँ, फर्स्ट 98 ऑड नंबर्स। यस यस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो सर, ये जो आप 6 प्रॉपर्टी कराई है तो वो कहाँ काम आ सकती है? अरे ये तो जैसे क्वेश्चन बनते हैं यार कि बोला जाए कि ऐसे प्रॉपर्टी आएगी कि स्क्वायर द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर m इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट m ओड नंबर्स, प्रूव इट, फिर अपने को ऐसे प्रूव करना पड़ेगा, ओके? ओके सर। ओके सर। अब देखिए मैं इनको तुम्हें आसान तरीके से थोड़ा बता देता हूं, देखो अब ऐसे नोट कर लो एक बार, मैं बताता हूँ वैसे, जैसे अपन ने क्या किया 2² = 4 = 1 + 3, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 ओड नंबर्स, 3² = 9 = 1 + 3 + 5, it means sum of first 3 odd numbers, 4² = 16 = 1 + 3 + 5 + 7, it means sum of first 4 ओड नंबर्स, नोट कर लो। ओके सर। ओके सर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए।
डन यस सर सर वन मिनट अब देखिए अपन कुछ पैटर्न्स देखते हैं स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न ओके अब अपन देखते हैं इसमें लिखते चलो साथ साथ फिर समझाता हूँ एक साथ टू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इज इक्वल टू थ्री इंटू वन प्लस वन थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री फोर स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव प्लस वन फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इज टू थ्री इंटू एट प्लस वन या अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं और टू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू फोर थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन फोर इंटू फोर प्लस वन फोर स्क्वायर इज फोर का वो लिख दिया फोर इंटू फोर लिख दिया आपने तो सॉरी सॉरी फोर इंटू फोर तो सिक्सटीन होता है फोर इंटू वन फोर इंटू फोर फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव फोर इंटू सिक्स प्लस वन देखिए ये पैटर्न बन रहा है अपने पास ऐसे बनाते चलेंगे तो ऐसे पैटर्न बनता जाएगा एक सर आपने नाइन का फोर इंटू फोर प्लस वन लिख दिया है सॉरी फोर इंटू टू प्लस वन ओके अब देखिए इस पैटर्न को इस पैटर्न को एक बार एनालाइज करो क्या आ रहा है इसमें इसमें क्या आ रहा है सर इसके सर बीच बीच पे सर प्लस वन आ रहा है मल्टीप्लाई वन आ रहा है अपन क्या कर रहे हैं इसमें स्क्वायर ऑफ नंबर ग्रेटर देन वन कैन बी रिटन एज में थ्री कॉमन है एक में फोर कॉमन है हाँ हाँ सर, अरे सर सर उसमें सर ये डिफरेंस है कि सर थ्री सर, सर थ्री के साथ सर जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं सर उसमें पहले वन में वन प्लस हुआ फिर सर थ्री में टू प्लस हुआ फिर सर फाइव में थ्री प्लस हुआ थ्री सब में कॉमन है ना इधर फोर सब में कॉमन है इट मीन्स स्क्वायर ऑफ नंबर्स can be written as multiples of 3 or 3 plus 1 ये समझ में आ गया ये फर्स्ट वाले पैटर्न अपने को यही दिखा रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस इतना सा ध्यान रखो कि ऐसे भी हो सकता है ओके समझ गए हेलो एक्सक्यूज मी सर हाँ सर एक और बार आप समझा सकते हैं प्लीज देखिए इस पैटर्न को देखो एक बार इस पैटर्न में क्या है अपन थ्री से मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं या तो अपन थ्री मल्टीप्लाई थ्री कर रहे हैं या अपन थ्री मल्टीप्लाई समथिंग प्लस वन कर रहे हैं ओके एंड इस पे क्या कर रहे हैं या तो अपन फोर मल्टीप्लाई फोर कर रहे हैं या अपन फोर मल्टीप्लाई समथिंग प्लस वन कर रहे हैं समझ गए यस सर वो तो समझ गए लेकिन सर मतलब ये यूज कहाँ होगा ये भी बता दीजिए सर यूज कहीं पे नहीं होगा ये तो बस ऐसे ध्यान रखना है कि हाँ ऐसे भी पैटर्न बन सकता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सर टेस्ट में रेयरली है बहुत रेयर चांसेस है ऐसे देख लो प्रॉपर्टीज चांसेस होते हैं ऐसे आने के बट कभी प्रॉपर्टीज टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो तब पूछा जा सकता है ओके सर एक्सक्यूज मी सर सर एक और बुकलेट आई है ना मैथ्स की शिखर से मेंटल एबिलिटी की वो आप सॉल्व करवाओगे हाँ हाँ ओके सर देखो इसमें इसमें अपन ऐसे भी कर सकते हैं तुम नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना जहाँ जहाँ थ्री लिखा हुआ वहां पर फोर कर लेना ओके यस सर है ना
लिख लिया सबने? यस सर, लिख लिया है। नो। अब देखो लास्ट प्रॉपर्टी है अपनी। सर एक मिनट के लिए पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ये वाली प्रॉपर्टी लिख लो पहले साथ साथ, इसमें कुछ नहीं है। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें कुछ समझाने का नहीं, ये भी नोट कर लो। एंड नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी सर, लास्ट वाली स्लाइड दिखा। हाँ बोलो सर, जो माइनस वन और जो माइनस इंटीजर्स होते हैं क्या वो रियल नंबर नहीं होते सर? होते हैं ना सर, तो उनके स्क्वायर तो माइनस में आएंगे ना? कैसे आएंगे? माइनस वन का स्क्वायर करो, देखो माइनस टू इनटू माइनस टू इक्वल्स टू फोर। हाँ तो माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस। यस सर, समझ गए? यस सर, भूल गया था वो फॉर्मूला। नोट कर लिए सर? ये नोट कर लिया सर। ये वाले सर, वो आगे वाली स्लाइड दिखा दीजिए, आगे वाली। लिखो लिखो सर। डन। यस सर, डन। हां अब देखो सर, ऊपर कर दीजिए सारे के लिए वाली दिखा दीजिए सर, ऊपर कर दीजिए सर ये वाली स्लाइड। अब अपन कुछ पैटर्न्स पे स्टडी करते हैं। कर लिया नोट? यस सर, नोट कर लिया। अब अपन कुछ पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। देखिए, द फर्स्ट वन इज द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स लाइक 1, 11 एंड 111। ओके, ऐसे नंबर्स का अपन स्क्वायर देखते हैं। देखिए अपन ने अच्छे से समझना इसको, वन का स्क्वायर किया वन, इलेवन का स्क्वायर किया तो क्या हुआ अपने पास वन वन टू वन, ट्रिपल वन का किया तो अपने पास क्या आया वन टू थ्री एंड टू टू वन वन टू वन, ट्रिपल फोर का स्क्वायर किया तो क्या आया अपने पास वन टू वन टू थ्री फोर टू वन टू वन, वन 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 का स्क्वायर किया अपन ने तो क्या आएगा वन टू थ्री फोर फाइव फोर थ्री टू वन चलता जाएगा। ओके तो अब देखिए इसमें अपने को इस पैटर्न को एनालिसिस करो और अपने को क्या समझ में आ रहा है। देखिए क्या समझ में आ रहा है, देखिए अपने पास इसमें वन था, ओनली सिंगल वन था तो अपन ने वन तक कर दिया। अब इसमें अपने पास टू वन है, डबल वन है, वन वन, इट मीन्स टू डिजिट है अपने पास, टू वन है तो वन टू करेंगे। ओके एंड देन रिपीट कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, मीन्स टू के बाद में वन से वापस से लिखना स्टार्ट कर देंगे। ओके अब देखिए यहाँ पर अपने पास थ्री वन है, इट मीन्स वन टू थ्री एंड टू वन। ओके इसमें अपने पास फोर है तो वन टू थ्री फोर एंड थ्री टू वन। ओके इसमें फर्स्ट एंड एंड डिजिट हमेशा वन होगा तो अपने को वन तक पहुंचाना है। जितने टोटल नंबर हो वन होंगे, जैसे फाइव टोटल नंबर वन है तो अपन वन टू थ्री फोर फाइव तक जाएंगे एंड देन अपने को फिर से वन बनाना है तो फोर थ्री टू वन कर देंगे तो ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर एंड फाइव का स्क्वायर। yes, समझ गए? नोट कर लो जल्दी से। सर कर लिया। कर लिया सर। आसान है ना ये तो? yes, ये तो बहुत आसान है। ये तो बहुत आसान। अब yes, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और पैटर्न देखते हैं अपन। वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग पैटर्न। ओके अब देखिए क्या है इसमें, जैसे वन का स्क्वायर किया वन, डबल वन का स्क्वायर किया तो वन टू वन, ट्रिपल वन का स्क्वायर किया तो वन टू थ्री टू वन। ओके अब देखिए क्या है इसमें अपने पास, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, वन प्लस टू प्लस वन किया
तो क्या आया अपने पास, 4, दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 किया तो ये क्या आया 9, इट मींस इट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। 1 2 3 4 का स्क्वायर किया अपन ने तो 1 2 3 4 3 2 1 ओके, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब देखिए इस पैटर्न को देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, एडिशन ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 11 स्क्वायर ट्रिपल 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ओके देखिए अपन के पास क्या समझ में आ रहा है, देखिए अपने पास टोटल 1 कितने इसमें 2, ओके समझ में आ रहा है ना, इसमें टोटल 1 कितने 2। तो अब अपन 2 का स्क्वायर क्या होगा, जो इसका स्क्वायर आएगा उसके डिजिट्स का सम होगा, समझ में आ गया। यस सर। इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ 1 कितने थे अपने पास 4, इट मींस 4 का स्क्वायर अपन फाइंड कर लेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होगा, जो इस 4 बार 11 है, 11 11 का स्क्वायर करेंगे उसका जो स्क्वायर आएगा उसके डिजिट्स का सम होगा वो 4 स्क्वायर के इक्वल होगा, समझ गए पैटर्न को। यस सर। आसान है। यस सर। नोट कर लो। कर लिया सर। अरे एक मिनट, देखिए एक और पैटर्न है अपने पास उसको देखते हैं। अब है अपने पास क्या क्या मुझे समझ में नहीं आया ये वाला पैटर्न। यस सर। देखिए इसमें अपन ने 1 स्क्वायर किया, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओके। अब अपन ने 11 का स्क्वायर किया, अब 11 में टोटल नंबर ऑफ 1 कितने होते हैं, 11 में टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हैं 2। अब जितने 1 है उनका स्क्वायर करेंगे एंड 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 1 2 1 ओके। अब अपन क्या करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 1 इन डिजिट्स को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया टोटल 4, और अपन 2 का स्क्वायर करते हैं वो भी क्या होता है 4। इट मींस ऐसे पैटर्न में जितने टोटल 1 होते हैं उसका इसमें टोटल 1 कितने 2, इसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा जो 11 का स्क्वायर है उनके डिजिट्स के सम के, समझ गया। यस सर समझ। ओके अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं अपन, 1 2 1 इज इक्वल टू सॉरी 1 2 1 × 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू 4 8 4 इज इक्वल टू 2 2 होल स्क्वायर। 1 2 3 2 1 × 1 + 2 + 3 + 1 इज इक्वल टू 1 1 0 8 8 9 इज इक्वल टू 3 3 स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि अपन ने क्या किया, जैसे 1 2 1 है ओके, और 1 2 1 किसका स्क्वायर होता है 11 का, समझ गए ना। यस सर। 11 का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 1। अब इन डिजिट्स को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे इससे ओके, तो अपने पास आंसर क्या आएगा 4 8 4। ये स्क्वायर किसका होता है, देखिए इसमें 2 11 स्क्वायर में टोटल 1 कितने 2, तो अपन इसको क्या कर देंगे 2 2 एंड इसका स्क्वायर कर देंगे, समझ गए।
जो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। अब ये समझ गए ना पैटर्न। सेम ऐसे इसमें भी देखो, ये किसका स्क्वायर होगा, 111 का। ओके, अब टोटल 3 है तो सभी वंस को अपन 3 3 3 कर देंगे, एंड इन ये 111 का स्क्वायर हो गया और उनके डिजिट्स का एडिशन हो गया ये, एंड दिस इज इक्वल टू 333 स्क्वायर। समझ में आ गया ना? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हां हां सर, जो जो आप एग्जांपल करा रहे हो सर, बुक में उसका एक बड़ा एग्जांपल भी दिया हुआ है, या फिर सर यही ले लीजिए 1 2 3 2 1 × 1 + 2 + 3 + 1 है, तो उसका आया है 1 1 0 8 8 9। तो सर इसको अपन को स्क्वायर रूट करना है 333 सर, तो उसमें तो टाइम लग जाएगा। किसमें सर? स्क्वायर रूट करने में 1 1 0 8 8 9 का। अरे वही तो बता रहा हूँ ना, अपने को स्क्वायर रूट देखो, इस पैटर्न से अपन सीधे कर लेंगे। अब अपने पास इनको अपन ने ओनली जैसे इनका अपने को पता है, अपन लिख लेंगे, अभी अपन ने देखा था, आसानी से लिख लेंगे इनका। तो अभी अपन ने फर्स्ट वाला पैटर्न यही तो देखा था, 1 2 1 ये तो लिख लेंगे है ना। अब देखिए इसमें क्या था, अब ये कर लिया अपन ने जैसे 333 है, अब इसको देख के अपन को क्या पता लगा कि अपन इसको 111 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब अपने को पता नहीं, अब ये ज्यादा बड़ा हो गया तो अपने देखेंगे यार इसको कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लिया है ना, अगला नंबर आएगा मतलब इस सीरीज में, तो उसका जो स्क्वायर का वो होगा 444 का स्क्वायर होगा ना, 444। हाँ तो देखो, अब अपने पास जैसे 333 स्क्वायर है, अब इसको 111 कर दिया अपने, स्क्वायर कर दिया। अब अपने को पता है कि इसका स्क्वायर होता है 1 2 3 2 1। ओके, अब अपने पैटर्न पढ़ाता है कि इसको 1 + 2 + 3 + 2 + 1 कर देंगे, तो जो इसको सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा इसके 33 का, 333 का स्क्वायर। तो ये अपन इसको तो सॉल्व कर ही लेंगे आराम से यार, तो ये 1 1 0 8 8 9 आएगा। समझ गए? ओके सर, नोट कर लो। सर एक और बार समझा दो। देखो अपन ने क्या किया, जैसे वन मान लो, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, 4 4 4 4 इसका स्क्वायर निकालना है। अब ये काफी लेंथी हो जाएगा अपने लिए, डायरेक्ट निकालना है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, सभी फोर्स को वन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 1 1 1 का स्क्वायर। अब अपने को पता है इसका स्क्वायर कितना होता है, 1 2 3 4 3 2 1। ओके, ये पता है। अब अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई इन डिजिट्स का सम कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। ओके, समझ में आ गया? ब्रेक कर रही है, अभी भी ब्रेक कर रही है। हेलो हेलो सर, एक बार और समझा दीजिए, आपकी आवाज ब्रेक कर रही थी इसलिए समझ में नहीं आया। हाँ वही बता रहा हूँ, देखो अपन ने एग्जांपल लिया नया कि 4 4 4 4 का होल स्क्वायर किया अपन ने, तो अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट स्क्वायर निकालना बड़ा लेंथी प्रोसेस है। ओके, तो अब अपन ने सभी फोर्स को वन में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसका स्क्वायर किया। अब अपने को पता है इसका स्क्वायर, अपने को पता है कि 1 2 3 4 3 2 1 होता है। ओके, अब अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन टोटल। सभी को ब्रेक कर रही है या किसी एक दो को ब्रेक कर रही है? सर ब्रेक कर रही है। ओके ओके, अभी सही है सर? ऐसे तो सही रहती है सर, बीच बीच में हो जाती है। हाँ वो अभी यार ऐसे तो ऑनलाइन सिस्टम है तो थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाता है। अभी देखो जैसे अपन को इसका स्क्वायर निकालना था, अब ये लेंथी सा है, अब सभी फोर्स को अपन ने वन में कन्वर्ट कर लिया। अब अपने को पता है इसका स्क्वायर कितना होता है, 1 2 3 4 3 2 1। ओके, अब इसको कर देंगे अपन मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, इन सभी डिजिट्स का सम ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास आएगा ये इक्वल होगा अपने पास इसके। अपन ने निकाल लिया, अभी आसानी से निकाल लिया, देखो कोई दिक्कत नहीं आई ना?
सर मतलब अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 3 2 1 3 16। हाँ हाँ नोट कर लो जल्दी से। सर इसमें तो सारे सेम नंबर हैं, अगर चेंज हुए नंबर तो ऐसे 4 2 3 1 उस पे ये लागू नहीं होगा ना? नहीं नहीं ये ओनली सेम नंबर्स वाले पे। ओके नोट कर लो जल्दी से। ओके सर समझ आ गया। एक क्वेश्चन करते हैं फिर इन पैटर्न्स पे बेस। जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन या नेक्स्ट क्लास में करना होगा, अभी तो टाइम हो गया। सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ तो फिर नोट करो जल्दी से। सर उसका आंसर क्या आ रहा था सर? जो सर 4444 का स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा था सर? मुझे 1974 91 36। ओके सर। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन। यूजिंग suitable pattern complete the following। अब अपन ने example लिया 3 3 3 का whole square divided by 1 2 3 2 1। okay sir आपकी screen pause हो गई है अभी। सही है। हेलो हाँ हाँ वो होता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा नेटवर्क चला जाता है यार। देखो इसको अपन ने कंप्लीट करना है, इसका आंसर निकालना है। अब देखिए अपन क्या करेंगे, अपन इस कर सकते हैं 3 × 1 1 1 का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? यस सर। और 1 2 3 2 1, अब अपने को पता कि 1 2 3 तक जा रहा है, इट मीन्स 3 1s का स्क्वायर है ये। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? तो ये क्या हो गया 1 1 square। अब अपन इसको कर सकते हैं 3 square × 1 1 1 square, 1 1 1 का स्क्वायर, कर सकते हैं ना? Yes, sir. अब इससे ये वाला कैंसिल हो गया एंड ये कितना हो गया अपने पास, 3 square = 9। ऐसे पैटर्न्स के क्वेश्चन होंगे, समझ गए? ओके सर। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन ऐसा ही, 6 6 6 6 6 6 स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। अब देखिए अपन इसको सेम 6 × 1 1 1 1 1 स्क्वायर कर सकते हैं एंड इसका आपने बताया 1 2 6 तक जा रहा है, इट मीन्स ये 6 1s का स्क्वायर हो गया 1 2 3 4 5 6, समझ गए? सर ये वाला सर आपने कौन से पैटर्न के बेसिस पे किए? अरे सभी पैटर्न्स को मिक्स अप, ऐसे किसी पर्टिकुलर पैटर्न पे बेस्ड नहीं है ये, है ना? सभी पैटर्न्स को करने के बाद अपने को ये चीजें समझ में आ गई कि 1 2 6 तक जाएगा तो इट मीन्स ये 6 1s का स्क्वायर है। ओके तो अब अपन ने 6 square × 1 1 1 1 1 स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया एंड 6 square = 36। ओके समझ गए? अरे समझ गए ना? यस सर। नोट कर लो। यस सर। नोट कर लो एंड क्लास की टाइमिंग अभी खत्म हो गई है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंड फिर अपन देखेंगे मेथड स्क्वायर रूट्स। ओके हाँ 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 उस क्वेश्चन का मिलेगा ना? हाँ हाँ मिलेगा, उसकी टेंशन मत लिया करो। सर आप डीपीपी सेंड करेंगे? हाँ डीपीपी आज सेंड करूँगा। ओके सर थैंक यू सर। ओके एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर जो ये लास्ट वाला आपने एग्जांपल करा है, इसको करने का एक और एग्जांपल है ना, जो वो वाली प्रॉपर्टी थी जिसकी 1 1 1 मतलब 6 times 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे हाँ, पूरा सेम उससे भी कर सकते हैं। यस सर ये उससे भी हो रहा है ये पूछना। हाँ ओके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट बाय। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. Bye, sir.